Dar en premisa, yo no. Tratado. Bharat Vasio. विशेष करके मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि भारतवर्ष में जो ये तांडव मचा रहे हैं लोग, आखिर में ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से भारत को अस्थिर किए हुए हैं और भारत को आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं? इसके पीछे षड्यंत्र किनका है? कौन लोग हैं? आइए इस पर मैं दो टुक में आप लोगों को अपनी मन की बात बताना चाहूंगा, और बहुत जल्दी जल्दी में कई लोग मेरे साथ जुड़ भी गए हैं। ये अहमद पटेल रिजवी कादरी साहब कहाँ से हैं? ये अहमद पटेल साहब लिख रहे हैं कि लुंगी और टोपी पहन कर ही नारंगी हैं, और उसमें आतंकी पुलिस। देखिए, इन्होंने पुलिस को आतंकी बताया। पुलिस को आतंकी है? पुलिस का काम आतंक मचाने का है या आतंकवादी को रोकने का है? देखिए इसकी मानसिकता, देखिए एक शब्द में ही आ गया है। ये अपने स्टेशन पे आ गए, और स्टेशन पे नहीं आए, महेंद्र पाल के इस तर्क के कसौटी में ये कस गए हैं। ये कह रहे हैं कि पुलिसिया आतंकवाद, पुलिस आतंकवादी होता है। इन जाहिलों को, इन मूर्खों को, इन अकल के दुश्मनों को कौन समझाएगा? पुलिस आतंकवाद को दमन करने के लिए होता है। पुलिस की भर्ती आतंकवाद को दमन करने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होती है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर जो राष्ट्र के रहने वालों को सुरक्षा देता है, ऐसे पुलिस को ये बदनाम कर रहे हैं। देखिए क्या है मानसिकता इनकी। और मैं बता रहा हूं कि ये इस्लाम का ही षड्यंत्र है। लोग भले ही इसमें कुछ राजनीति पार्टी भी है, लेकिन मैं आज एक एक करके सबका नाम आप लोगों को बता रहा हूं। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा हम पीछे चले जाते हैं। लोकसभा इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले जो आप लोग देख रहे थे, संपूर्ण भारत भर में राजनीतिज्ञों का या राजनेताओं का एक लॉबी बनी थी, और जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ कहाँ के लोग, किन किन प्रांत के मुख्यमंत्री रहे भूतपूर्व, और किन किन प्रांत के नेताओं का जमावड़ा हुआ था बंगाल में, और उन्हीं सभी नेताओं ने यह प्रतिज्ञा की थी, यह शपथ लिया था, चाहे वो साउथ में भी लिया हो और बंगाल में भी लिया हो, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि किसी तरीके से मोदी को हराना है। राजनेताओं की ये बात थी। तो राजनेतागण इसमें, राजनीति पार्टी पर, प्रधानमंत्री पर खुंदक खाए हुए हैं, और सबसे बड़ा खुंदक जो खाया है वो इस्लाम ने खाया है। और इसकी मानसिकता ये देखिए, कोई है अहमद पटेल रिजवी कादरी, कितना टाइटल दे रखा है आपने आप, और कितना बड़ा नाम रखा है। देखिए ये नाम भारत का है, पहले तो तू ये बता, ये नाम भारत का है, भारतीय संस्कृति का है ये तेरा नाम, रहता है तू भारत में, और पुलिस को आतंकवादी लिख रहा है इस हरामजादे ने, लिख करके दिया है, पुलिस या आतंकवादी बताया है, और ये नाम तेरा अरब का है, और रहता तू भारत में है और अरब को ढो रहा है, फिर भी ये दक्षिणसीपना किया जा रहा है। इससे बदतमीजी की तो हद हो गई इन इस्लाम वालों की।
और इस्लाम वालों ने खुंदक मोदी पर इसलिए खाया है कि पहले तो तीन तलाक गया, उस पर कुछ नहीं कर पाए, मुंह ताकते रहे, 370 गया, उस पर भी एक भी बाल बांका मोदी का नहीं कर पाए, और फिर राम मंदिर भी हो गया, उसमें भी ये धरा के धरा रह गया। तो जब सब मिला करके इस्लाम वालों का जो खुंदक है वो खुंदक निकाल रहे हैं, लेकिन इन अकल के दुश्मनों को, इन राष्ट्रद्रोहियों को ये पता नहीं है कि वो नुकसान किसका पहुंचा रहे हैं, नुकसान ना राष्ट्र का पहुंचा रहे हैं। राष्ट्र के संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये कितना बड़ा जुल्म है, ये राष्ट्रद्रोही यही काम कर रहे हैं। और राष्ट्रद्रोही खुद होकर के ये पुलिस को राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं, पुलिस या उपद्रव बता रहे हैं, आतंकवादी पुलिस बता रहे हैं, पुलिस को आतंकवादी बता रहे हैं। अब इससे इसकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारतवासी भली भांति इस पर चिंतन करें और विचार करें कि किन मुसलमानों को इस भारत देश में पाला जा रहा है, किन मुसलमानों को इस भारत देश में शरण दिया गया है, और हमसे शरण लेकर के हमें ही आग दिखा रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जाना संभव है कि जिन्हें मोहम्मद गोरी को 16 बार जीवन दान दिया और 16 बार जीवन दान पाने के बाद वो भारत में बसे, और उस बसने का बसाने का नतीजा आज सामने है, जो कुछ भी है सब के सामने है, भारतवासियों के सामने नहीं अपितु विश्व के आंगन में, विश्व के पटल में विश्ववासियों के सामने है कि ये है इस्लाम। क्या इस्लाम दकियानुसी का नाम है? इस्लाम तो मैं पहले ही बोल दिया था ये कैंसर है, एक कैंसर रोग का नाम ही इस्लाम है। तो रोग तो शरीर में होता है, पर ये पूरा समाज में ये रोग बना हुआ है, कैंसर बना हुआ है। और ये मैं अभी आप लोगों के सामने इस लाइव फेसबुक में दिखा भी दिया हूँ, बता भी दिया हूँ, नाम भी बताया हूँ, और ये लिख करके दिया है ये कि अहमद पटेल रिज़वी कादरी नाम है इसका। अब कहाँ का कादरी है, कैसा कादरी है, ये तो वही जाने, लेकिन भारतवासियों को भी जानकारी होनी चाहिए कि भारतवासी कैसे लोगों को आप पाल रहे हैं, आस्तीन में ही आपने सांप पाला हुआ है। इस्लाम को शरण देना इस देश में आस्तीन में सांप पालने का काम हुआ है। तो आस्तीन में सांप पालने से क्या हुआ, इसीलिए हमारा शास्त्रकारों ने भी बोला है कि उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपये नशन्ते पयापानाम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम, कि मूर्खों को उपदेश देने से उसका गुस्सा बढ़ता है, जैसा सांप को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है, ऐसा ही माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इन लोगों को उपदेश देना बंद करिए, इन लोगों पर सीधा सीधा कार्रवाई करिए। जो भी इस राष्ट्रद्रोह में लिप्त हैं और इन अकल के दुश्मनों की हिम्मत देखिए, यह पुलिस को आतंकवादी बता रहा है, इससे बड़ा और प्रमाण क्या होना चाहिए था, इससे बड़ा बड़ा प्रमाण और चाहिए भी क्या? ये फेसबुक लाइव में मेरे पास लिख करके भेजा है कि पुलिस या आतंकवादी, पुलिस आतंकवाद को रोकता। आप चलिए मैं आपको पहले जो पॉइंट है वो उस पर मैं प्रकाश डालता हूं। देखिए ये काम शुरू हुआ जामिया मिल्लिया से। जामिया मिल्लिया एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जैसा अलीगढ़ का, वैसे ही जामिया मिल्लिया में ये काम शुरू हुआ। और इस काम को शुरू करने वाले कौन लोग थे? इस्लाम वाले थे, जिसमें आपके भी एमएलए हैं और भूतपूर्व एमएलए कांग्रेस के भी हैं और सब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले हैं। और सुनियोजित ढंग से वहां पर सारा सामान मुहैया किया इन लोगों ने, पहले से सारा सामान इकट्ठा किया, चाहे वो ईंटा हो, पत्थर हो और पेट्रोल बम तक, ये सब जो मिले हैं पुलिस ने ये निकाली है। तो ये सब सामान कहां से आया, कैसे आया, इसका मतलब ये वो, ये सुनियोजित ढंग से इन लोगों का ये तांडव हुआ है। और परसों वाला दिन 20 तारीख को भी देखा, जुमा वाला दिन, जुमा के नमाज के बाद दिल्ली के जामे मस्जिद में भी भाषण दिया गया था
राष्ट्रद्रोह का, और ये राष्ट्रद्रोही तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है अहमद बुखारी को। इनके इनके पिता अब्दुल्ला बुखारी ने भी उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो ये पार्लियामेंट के तरफ रामलीला मैदान में कार्यक्रम था और पार्लियामेंट के तरफ उंगली दिखाकर मारो मारो चिल्लाया था और वो ये भी कहा था कि मैं भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी हूं, भारत सरकार में दम है तो मुझे अरेस्ट करे। ये तो उसको जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप से मिला है उसे। तो जामे मस्जिद से नमाज के बाद जो कुछ भी हुआ है, अब कुरान पर ही ये लोग विश्वास नहीं करते और कुरान को मिथ्या प्रमाण, कल तो मैं लिख करके दिया ये कुरान को मिथ्या प्रमाणित क्यों और कैसे किया है। देखिएगा, कुरान में ही अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि इन्नस्सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। ये मैं मुशफिक सुल्तान को भी लिख करके दिया, जो महेंद्र पाल के खिलाफ जो वीडियो लगा करके भेज रहे हैं, और उस नालायक ने, उस जाहिल ने यह स्वीकार किया है कि ये हकीकी नमाज नहीं पढ़ते। तो मैंने लिखा फिर किताब में, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, उस किताब में मैं लिखा हूं, ये सारा डिटेल्स में लिखा हूं, कुरान का हवाला देकर के लिखा हूं, जब ये हकीकी नमाज नहीं पढ़ते तो दिखावा क्यों करते हैं, ये मैं बोला। अब यहां कुरान में अल्लाह ने कहा कि नमाज एक ऐसी चीज है जो सभी बुराइयों को खा जाती है। तो जब नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ करके निकले और भारत को, भारतवर्ष के संपत्ति को, भारतीय संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को अग्नि में झोंकने लगे कि ये काम अच्छा था या बुरा था, इसका मतलब कुरान झूठ है या ये लोग झूठे हैं। दोनों में से किसी को एक को झूठलाना पड़ेगा, या तो कुरान झूठा है या यह झूठा है। अगर कुरान कुरान झूठा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब कुरान में अल्लाह ने कहा कि नमाज एक ऐसी चीज है जो सभी बुराइयों को खा जाती है, तो नमाज पढ़ने में ये बुराई क्यों और कैसी, इसका मतलब तो ये सिद्ध हो गया कि वो बिल्कुल मिथ्या है। नमाज पढ़ने वालों पर अगर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात सरासर गलत है, मिथ्या है। तो इन मिथ्यावादियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भारत भर में जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, भारत सरकार को बहुत मजबूती के साथ शिकंजा कसना चाहिए। और कल तो दूरदर्शन में कई न्यूजों में दिखाया, कई चैनलों में दिखाया कि लखनऊ में तांडव मचाने के लिए बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट से लोग गए हुए थे, छह लोगों को पकड़ा गया वहां, छह लोगों को पकड़ा गया, मालदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। जब मालदा से लखनऊ में तांडव मचाने के लिए लोग जा सकते हैं, सब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले हैं। अब बंगाल में ये लोग क्या कर रहे हैं इससे अंदाजा लगा लीजिए। बंगाल का तो मुख्यमंत्री तो खुद उधम मचा रही है, वो कह रहे कि जनमत लेना चाहिए भारत सरकार को कि कौन इस बिल्कुल चाहते कौन नहीं चाहते हैं, बड़ी बेतुकी बातें किस तरीके से किए जा रहे हैं लोग। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये सब मिल करके, सब मिला करके भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति विष उगलने का काम किया जा रहा है, विशेष करके इस्लाम के मानने वाले और सभी राजनीतिक पार्टी द्वारा। और उसमें सीताराम येचुरी को भी देखा, प्रकाश बिंदा करात को भी देखा, प्रकाश करात की पत्नी बिंदा करात को भी देखा, और ए राजा को भी देखा, और वो बिहारी क्या नाम है उसका, कन्हैया कुमार को देखा, कन्हैया कुमार भी गया वहां जामे मिल्लिया में। तो इस सब मिला करके भारत सरकार पर ये खुंदक निकाल रहे हैं कि ये जो मोदी ने जो काम करके दिया है उसका तोड़ तो इनके पास था नहीं, उसका विरोध तो ये नहीं कर पाए। तो इन लोगों को एक मौका मिल गया है कि जहां एक जगह हुआ है तो सब जगह उधम मचाओ। भारत सरकार को चाहिए इनका ठिकाना जहां है उन ठिकानों में ही इन लोगों को पहुंचा देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, प्रांत के मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री का बाप हो। गलत तो गलत ही है, गलत को सहन करना ये इंसानियत नहीं है, इंसानियत का काम नहीं है, मानव का काम नहीं है गलत को, क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए चाहिए सत को धारण करना, असत को परित्याग करना, ये मानवता है। सत को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्दत रहना चाहिए, ये मानवता है और मानव मात्र के लिए ये चाहिए। लेकिन अब इन लोगों की हिम्मत देखिए, सरकार से
मुकाबला कर रहे। सरकार से मुकाबला करना इतना आसान काम है? सरकार से मुकाबला करना संभव है, और मुकाबला करने का तरीका होना चाहिए। अगर कोई बात हुई है तो उसका विरोध करो, तो उसका विरोध करने का तरीका यही है कि आप आग लगा करके करोगे। अब जब ये बिल पास तो संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने पढ़ पढ़ करके सुनाया। अब जो कांग्रेस के काल में ही ये काम आया हुआ था, तो आज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेसी लोग विरोध क्यों और कैसे करें? सबसे पहले इन लोगों को ठिकाना में पहुंचाना चाहिए, सबको जेल देना चाहिए, जेल जाना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। अभी भारत को ये लोग भड़का रहे हैं, भारतवासियों को ये लोग भड़का रहे हैं, और भड़क वही लोग रहे हैं जो बुद्धि से परे है, जो बुद्धि से पैदल है, जो बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, वो भड़क रहे हैं। क्योंकि बुद्धिमानी इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में अकल पर दखल नहीं है। कुल्लु मा जा अभी रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से उसको बिना छानबीन किए मान लेना पड़ेगा, उसका नाम इस्लाम है। यहाँ जालिकल किताब ला रही बफी कह दिया, देखिए ना वो साजिद राशिद ने नहीं बोला था सुदर्शन न्यूज चैनल में कि जालिकल किताब ला रही बफी कह दिया तो बस सत है? अबे जालिकल किताब ला रही बफी कह देने पर सत हो जाएगा? आजा मैं आज पड़ताल दे रहा हूं, सुन ले ध्यान से, इस्लाम वाले खास करके सुने मेरी बातों को कि इस्लाम किस तरीके से झूठ है, मिथ्या है, कुरान किस तरीके से मिथ्या है, इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। कुरान की सूरा नंबर 9, सूरा तौबा आयत नंबर 28 और 29 को मैं पहले रख रहा हूं कि बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रम अल्लाह व रसूलहु वला यदीनून दीन अल हक मिन अल्लज़ीन उतुल किताब हत्ता युअतिल खिज़्यता अन यदी व अन यदीहुम व हुम सागिरून। अल्लाह ने क्या बोला जरा गौर से सुनिएगा, ये कुरान कलामुल्लाह नहीं है, इसीलिए तो मैं चुनौती पर चुनौती दिया हूं, दे रहा हूं, देता आया हूं, देता रहूंगा मरते दम तक। कुरान कलामुल्लाह कैसे नहीं है, इसी कुरान से सुनिए यहां क्या बोला अल्लाह ने। ऐ ईमान वालो, अल्लाह मुखातिब मनुष्य मात्र के लिए नहीं, बनी नौ इंसान के लिए नहीं, ऐ ईमान वालो, इसका मतलब एक मुष्ठी में एक संप्रदाय को मिन किया जा रहा है, संप्रदाय को संबोधित किया जा रहा है। ऐ ईमान वालो, मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं। देखिए एक शब्द में ही अल्लाह ने कह दिया है, ऐ ईमान वालों मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं, अपवित्र हैं। यानी जो गैर इस्लामी लोग हैं उन गैर इस्लामी को अल्लाह अपवित्र बता रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि जिस अपवित्र देश है इस्लाम की दृष्टि में, इसलिए ये उधम मचा रहे हैं, इसीलिए ये उधम मचाने का प्रेरणा इसी कुरान से इन्होंने लिया हुआ है। तो अल्लाह यहां पर निर्दिष्ट करके बोल रहे हैं, क्या बोला, ऐ ईमान वालों मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं। मुशरिक माने शिर्क करने वाला, जो अल्लाह के साथ किसी और को साझी ठहराते हैं, उसमें मूर्ति पूजा भी आप मान सकते हैं, जो मूर्ति को पूजते हैं उनके लिए। वह इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी न पटकने पाए। जो वो मुफ्ती यासिर बोला ना कि हमारा अकॉर्डिंग है, हमारा कानून है कि यहाँ अल्लाह ने मना किया, इसी आधार पर वो बोला। लेकिन ये अल्लाह का दकियानुसी देखिए, यही तो मैं बोला कि अल्लाह की दकियानुसी देखिए कि अल्लाह कितने संकीर्ण विचारधारा वाले हैं, और इस्लाम को भी संकीर्ण विचारधारा वाला बनाया है, और इस्लाम अक्षर सा इस पे अमल करता है। लेकिन ये कुरान कलामुल्लाह नहीं है, इसका प्रमाण मैं यहीं से दे रहा हूं। आइए फिर आगे क्या बोला देखिएगा। वहां मुशरिकों को खाना काबा के पास जाने के लिए, मस्जिद हराम खाना काबा को कहा जाता है, वहां जाने के लिए मना किया। अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ हो, अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ हो, किन्हें, ईमान वालों को, ईमानदारों को, ईमान वालों उनके लिए कि अगर तुम लोगों को मुफलिसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद बना देंगे। अब अल्लाह तुम्हें दौलतमंद बना देंगे, ये वाक्य किनका है, अल्लाह का कहां से है, आए कोई माई का लाल, मैं दावा के साथ चुनौती दे रहा हूं। ये अल्लाह खुद कैसे कहेंगे कि अल्लाह तुम्हें
दौलतमंद बना देंगे। अल्लाह कैसे कहेगा? अल्लाह ये नहीं कहते, अगर अल्लाह की कलाम होती तो अल्लाह ये कहते मैं तुम्हें दौलतमंद बना दूंगा। अल्लाह का कलाम कैसे है? आए कोई प्रमाण लेकर के, मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि अल्लाह अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद बना देंगे, अपने फजलो करम से। अल्लाह अपने फजलो करम से तुम्हें दौलतमंद बना देंगे। अगर चाहे अल्लाह इल्म वो हिकमत वाला है, अल्लाह अगर चाहे, क्योंकि वो इल्म वाला और हिकमत वाला है। लड़ो उन लोगों से, देखिए ये तो लड़ने के लिए यहां बोला है, इसलिए ये लड़ रहे। अल्लाह ने क्या बोला? लड़ो उन लोगों से जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, उन लोगों से लड़ने की बात कही है। और ये अब्दुल्ला तारिक, जिसके साथ मेरा डिबेट हुआ 2008 के 8 फरवरी में, वो बकवास कर रहा है। वो कह रहा है कि कुरान में जिहाद की बात नहीं है, और एक दो प्रमाण नहीं, मैं अनेक प्रमाण इकट्ठा करके दूंगा, कुरान से ही दूंगा। लेकिन यहाँ शब्द क्या है देखिएगा, यहाँ लड़ने के लिए अल्लाह ने खुद कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह ने लड़ने के लिए मुसलमानों को प्रेरित किया है, मुसलमानों को उस्काया है। दोषी तो ये कुरान है, जहां पर कुरान पर प्रतिबंध ना लगाया जाएगा, ये आयत तो जब तक है तब तक इस तरीके से ये लड़ते रहेंगे। ये केवल भारत में नहीं, ये संपूर्ण दुनिया में ही लड़ रहे हैं। और यही क्या बोला अल्लाह ने, लड़ो उन लोगों से जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो हराम को हराम नहीं जानते, और ऐसे इसे जिसे अल्लाह ने और उसके रसूल ने हराम किया है, जिसे अल्लाह ने, ये शब्द भी अल्लाह का नहीं है, जिसे मैंने और मेरे रसूल ने, ये शब्द होना चाहिए था, कोई जिसे अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हराम किया है उसे ये हलाल मानते हैं, इसलिए उन लोगों से लड़ो। अब देखिए यहां पर किस तरीके से अल्लाह ने मुसलमानों को लड़ने के लिए इस कुरानी आदेश दिया है, जिस कुरान को ये लोग कलामुल्ला मानते हैं, जिस कुरान को ये लोग इस्लाम वाले ईशवानी मानते हैं, और उसी कुरान में ही अल्लाह ये जिक्र फरमा रहे हैं। ना दीन हक को कबूल करते हैं, लेकिन इस्लाम दीन हक है, बाकी और कोई दीन नहीं है। जब बाकी और कोई दीन है नहीं है तो अल्लाह को ये क्यों कहना पड़ा, कैसे कहना पड़ा, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, हमारे दीन हमारे पास। अल्लाह को कौन सा दीन याद आया? या अल्लाह खुद भटके हुए, ऐसे भटके हुए एक व्यक्ति विशेष का नाम अल्लाह है, जिसको इस्लाम फॉलो करता है, जिसको इस्लाम मानता है। यहाँ कुरान से यह हवाला दे रहा हूं मैं, और ये मैं आपको वीडियो में दे भी दूंगा, ये किस तरीके से अल्लाह ने बोला है देखिएगा। जो दीन हक को नहीं मानते, कबूल नहीं करते, जिन्हें किताब दी गई, यहां तक के वो जलील वो ख्वार होकर अपने हाथों से जजिया अदा करे। देखिए जजिया टैक्स, मुसलमान यहां पर गैर मुस्लिमों के ऊपर जजिया टैक्स, जजिया टैक्स जो लगाया गया था ना इस्लाम, यानी जिस जब मुगल पीरियड में मुगलों ने भारतवर्ष को कंट्रोल किया, भारतवर्ष पर साम्राज्य कायम किया, उस समय हिंदुओं पर जो गैर मुस्लिम है, इसी कुरान के आधार पर, इसी कुरानी आयत के आधार पर जजिया टैक्स अदा करे। जजिया यह साफ साफ लिखा है, अपने हाथों से जजिया अदा करें इन पर जो गैर मुस्लिम है। और इसमें सबसे बड़ा ज्यादा लोहा लिया उन मुगल काल में मुगलों के साथ, इस्लाम वालों के साथ। अगर किसी प्रांत वालों ने लोहा लिया है तो सबसे पहला नाम पंजाब का है। हमारे गुरुओं ने इस पर बलिदान दिया है, हमारे गुरुओं ने इस पर सर कटाया है, हमारे गुरुओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन मुसलमानों से लोहा लिया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि गुरु गोविंद सिंह क्या देखा, अपने पिता तेग बहादुर का गर्दन काटते हुए मुसलमानों को, अपने चार बेटों को मुसलमानों के हाथ कत्ल होते हुए देखो, दो को तो जिंदा जला दिया था दीवार में, दीवार में चिनवा दिया था, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, और दो को मारा था। बंदा बैरागी ने इसका बदला लेने का प्रयास किया। हमारा दिल्ली का जो शीशगंज है, वो सिर कटाने के बाद ही उसका नाम शीशगंज पड़ा। भाई सतीदास और मोतीदास को आरी से चिरवाया गया। ये सारा इस्लामी तांडव है, ये इतिहास साक्षी है।
और ये ज्यादा दिन की बात भी नहीं है, और यही कुरानी आयत है जिस आयत के मातहत इन मुसलमानों ने संपूर्ण विश्व के आंगन में तांडव मचाया है। इस कुरान पर जब तक बैन लगाया नहीं जाएगा, इस कुरान पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तब तक जब तक ये कुरान है तब तक ये आतंकवादी है, आतंक मचाते रहेंगे। और इस मूर्ख ने क्या लिखा, पुलिस ही आतंकवादी है, पुलिस को आतंकवादी बता रहा, आतंक मचा रहा है खुद। नमाज पढ़ करके जब वो निकले तो वहां पर ईंटा पत्थर पेट्रोल बम तक किसने जमा किया, कहां से आया वो? मैं बोला कि वहां केवल और केवल बंगाल के मालदा जिला से ही लोग नहीं गए, अपितु कश्मीर से भी लोग आए। इसलिए भारत सरकार को मजबूती के साथ इन दुष्टों को दंड देने के लिए, क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, यही हमारी संस्कृति है। संत महात्माओं का जय, धर्मात्माओं का जय और दुष्कृतकारियों का नाश। दुष्कृतकारियों का जब तक नाश नहीं चाहेंगे तो इस राष्ट्र का बचाया जाना संभव नहीं है। और मैं ये हवाला दे रहा हूं, मैं ये हवाला दे रहा हूं यहां पर, ये मैं बोला कि अल्लाह के कलाम ये नहीं है। इससे सबसे बड़ा प्रमाण कि अगर तुम मुफलिसी में हो तो अल्लाह तुम्हें मालामाल कर देंगे, अल्लाह तुम्हें मालामाल कर देंगे, ये बात किनका है, ये कौन कह रहे हैं? फिर अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जिसको हराम माना, या अल्लाह ने, या अल्लाह अगर अल्लाह का होता, अल्लाह भी कलाम अगर अल्लाह कहते होते, अल्लाह की कलाम होती, तो अल्लाह ये कहते मैंने और मेरे रसूल ने जिसको हराम माना, ये नहीं होता। इसलिए केवल इतना नहीं, आगे चलिए तो मैं और दिखा रहा हूं, देखिए क्या क्या है ये। मैं 28 और 29 को बोला, अब यहां 32 को देखिए, 32 में अल्लाह ने क्या बोला, युरीदुना आई युत फिउ नूर अल्लाह बे अफवाहिहिम वयाबिल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करेहल काफिरून वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون। यहां अल्लाह ने क्या बताया सुनिएगा, इनकी चाहत है कि नूर अल्लाह अपने मुंह से बुझाए और अल्लाह ताला इनकारी है मगर इस बात का कि अपना नूर पूरा करे। अरे काफिर नाखुश रहें, काफिर नाखुश रहें, इसी इसी ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है। ये अल्लाह का भी नहीं है, ये दूसरा कोई और कह रहा है, और इसे तुम्हारी मानिंद पर, तुम्हारी मजहबों पर गालिब और मुशरिकों पर ये हावी रहेंगे। आगे क्या बताया देखिएगा, या अय्युहल लदीना आमनु इन्न कसीरम मिनल अहबार वर रुहबा बानी ला यकूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दु व यसुद्दुन अन सबीलिल्लाह वल लदीना यकफुरून वल लदीना यकनिजून الذهبा वल फिद्दता वला युनफिकून ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحيي عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنزتم بأنفسهم फजूकू माकुन तुम तक नजून। यहां क्या बताया गौर से सुनना जरा, यहां अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालो, कौन ऐ ईमान वालो, मोदी और अमित शाह जैसे बेईमान वालों के लिए नहीं, ईमान वालों के लिए। और ईमान वाले कौन है, जो ये तांडव मचा रहे। देखिए कैसे ईमान वाले होते हैं, और मैं दावा के साथ कह रहा हूं
कि जब कोई ईश्वर के साथ अपना संपर्क जोड़ता है, चाहे वो नमाज को भी बोला असलात मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज है, जैसा कि अल्लाह के साथ दीदार करने के लिए मोहम्मद गए थे मेराज को, और वो तो बहुत लोगों ने वीडियो डाल रखा है, तो वहां मेराज को गए थे, तो मोमिनों के लिए नमाज मेराज बताया, अल्लाह से मुलाकात। तो जो अल्लाह से मुलाकात करे तो अल्लाह से मुलाकात करके ही तो नमाज पढ़ करके ये पैना लेकर के आया, अल्लाह से मचाओ तांडव, मारो इन काफिरों को। इसीलिए ऐ ईमान वालों, अक्सर उलमा और आबिद लोगों के माल नाहक खा जाते हो और राह अल्लाह की अल्लाह से रोक देते हो, और जो लोग सोने चांदी के खजाने करते हैं और अल्लाह में खर्च नहीं करते, उन्हें रोकना, अजाबों की खबर पहुंचा दो। देखिए ये यहाँ अल्लाह के रास्ता क्या है, अल्लाह का रास्ता है फी सबीलिल्लाह जहाद करना, अर्थात अल्लाह का रास्ता यही है गैर मुस्लिमों को सुरक्षित करना, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, गैर मुस्लिमों को मारना। जिहाद के माने जद्दोजहद नहीं है। मैं दावा के साथ जिससे पहले भी बहुत बार बोला हूं, और जिस दिन इस खजाने को आतिशे दोजख में तपाया जाए, फिर इनसे इनका पेशानियां और पहलू और करें दाग दिए जाएंगे। ये है जिसे अपने लिए खजाना खजाना बना रहे थे, बस ऐसे खजानों का खत्म करो। केवल इतना नहीं, एक मैं प्रमाण और देना चाहूंगा कि देखिए यहां पर क्या बताया है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान कलामुल्ला नहीं है। देखिए क्या बोला कि इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि 12 शहरन फिल किताबी लैली यौमा खलक समावाति वल अर्द मिनहा अरबातुम हुरुम حرومٌ ذلك الذين ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। यहाँ क्या बताया, देखिए एक इस आयत में ही कुरान कलामुल्ला नहीं है इसका पता मैं दे रहा हूं। देखिए यहाँ अल्लाह ने क्या बोला कि महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक किताबुल्लाह में 12 की है, यानी अल्लाह की किताब में महीनों की गिनती कितना बताया, 12, तो 12 की है। इसी दिन से कि आसमान और जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, किस दिन से, जो 12 महीना किताबुल्लाह, जबकि किताबुल्लाह अल्लाह की किताब दुनिया की आगाज से नहीं है, जब से दुनिया बनी उस समय से नहीं है, ये मोहम्मद के काल में आया है, अब मोहम्मद के काल में आया है, उसमें 12 महीना बताया गया, और 12 महीना जो बताया है वो हिजरी सन के अनुसार बताया। लेकिन मैं अल्लाह से नहीं, अल्लाह वालों से पूछना चाहता हूं कि हिजरी सन से पहले कौन सा सन था, बोले अल्लाह, उससे पहले ईसवी थी, उससे पहले भी और लोग थे। अब यहाँ क्या अल्लाह ने क्या बोला, जिस दिन से आसमान और जमीन बताए, सरासर झूठ बोला जा रहा है, जिस दिन से आसमान और जमीन बना है उस दिन से 12 महीना जो बोला कि उस महीने का नाम भी बता दूंगा मैं, वो 12 महीना बता दे गए। इनमें से 4 हुरमत और अदब के हैं, यानी 4 मर्यादा के महीने हैं, 4 महीना को मर्यादा बताया गया है, जिसमें जिलकद जिलहज मुहर्रम और सफर, ये 4 महीना बताया गया है जो जमादिल आखिर और शाबान के बीच में आते हैं। ये तफसीरकार ने यही बताया है कि यही दुरुस्त दीन है, तुम इन महीनों में अपनी जानवरों पर जुल्म न करो, और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसा कि वो तुमसे लड़ते हैं। जान रखो अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है, इसीलिए अल्लाह ताला फौज भी भेजते हैं। इन हजरत मोहम्मद साहब के लश्करों में अल्लाह ने भी अपना फौज भेजा, अल्लाह ने भी अपना फौज भेजा है, ये मुत्तकियों के साथ है अल्लाह, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अल्लाह मुत्तकियों के साथ है, अपना फौज भेजते हैं, कभी 3,000 कभी 1,000 कभी 5,000 ये सब भेजा, लेकिन
अल्लाह अपने रसूल के, अपने पैगंबर के, अपने हबीब के दांत तोड़वाने से बचा नहीं पाए। किनके हाथ? इन मुशरिकों के। अब यहां देखिए 12 महीना जो बताया गया है कि ये 12 महीना हिजरी सन के अनुसार बताया गया, जो नाम मैं बोला जिलकद, जिलहज, मुहर्रम और सफर, जमातियल आखिर और शाबान, ये 6 महीना का नाम यहाँ गिनाया है तफसीर इब्ने कसीर में, और ये हिजरी सन के अनुसार आ रहा है। तो हिजरी सन से पहले और कोई सन था या नहीं, किसी और मान्यता के अनुसार अगर था, जैसे ईसवी है इससे पहले, तो फिर अल्लाह ने ये कहा, कैसा झूठ बोला कि जमीन और आसमान जिस दिन से बनी है उस दिन से। लेकिन मैं अल्लाह से और पूछना चाहता हूँ, अल्लाह वालों से भी ये जानकारी लेना चाहूंगा, अगर 12 महीना में ही साल होता है तो 12 महीना कितने दिन में होता है, उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर, उसकी जिक्र, उसका जिक्र यहाँ नहीं है, उसको अल्लाह ने नहीं बोला, अल्लाह जानता ही नहीं है बोलेगा कहाँ से। 30 दिन में 12 महीना होता है, 30 दिन में एक महीना होता है, ये नहीं, 12 महीना बोल दिया, और कितने दिन में एक महीना होता है ये नहीं बोला। अब 30 दिन में एक महीना होता है, लेकिन इस्लाम के चांद के अनुसार जो एक महीना 29 का, एक महीना 30 का, जब 29 का महीना होता तो फिर यहां उन 12 महीनों में घटत बढ़त। और फिर इसमें आगे क्या बोला दिखेगा, इसमें आगे वाले आयत में इसी पर ही बोला है, इन नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्री युज़ल्लु बिहिल लज़ीन कफरु व युहिल्लुनहु आमा आमा व युहर्रिमुन मा अल यौम तिउ इद्दता मा हर्रमल्लाहु फयुहिल्लु मा हर्रमल्लाहु ज़ुय्यना लहुम सुउ अमालिहिम वल्लाहु ला यहदी कौमल काफिरीन। यहां क्या बताया है, देखिए कि महीनों के आगे पीछे कर देना भी कुफर है। अब महीनों के आगे पीछे कर देना कुफर है, अब अल्लाह यहां भी झूठा प्रमाणित हो रहा है। महीनों के आगे पीछे कर देना कुफर है, यानी काफिर लोग जो इस्लाम के विपरीत लोग थे वो महीनों को आगे पीछे कर देते थे, इसलिए अल्लाह उनके लिए कहा महीनों के आगे पीछे कर देना भी कुफर है, ज्यादती है, इससे वो लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो काफिर हैं। अच्छा, काफिर लोग अगर महीनों को आगे पीछे कर दे तो ये निर्धारित किया हुआ महीना तो अल्लाह का है, और काफिर लोग उसको आगे पीछे कर दे इसका मतलब कि खुदा के साथ वो समानांतर चला रहे हैं दुनिया। जब सृष्टि नियम के अनुसार 12 महीना है और उस सृष्टि नियम में महीनों को आगे पीछे कर दिए, खुदा खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, इससे भी ये सिद्ध हो रहा है ये कलामुल्ला नहीं है। अब मानव में क्या मजा है कि महीनों के आगे पीछे करें, महीनों का चलाने वाला बनाने वाला अगर अल्लाह है उन महीनों को आगे पीछे कर रहे हैं, ये आप अल्लाह खुद बता रहे कि आगे पीछे कर रहे हैं कौन, मुशरिक और काफिर लोग। एक साल तो ऐसे हलाल कर लेते हैं और एक साल ऐसे हराम कर लेते हैं, यानी अल्लाह ने जिसको हलाल माना उसको इन काफिर लोग हराम मान लिया, और हलाल काफिर लोगों ने जिसको माना अल्लाह ने उसको हराम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के साथ समानांतर ये भी दुनिया चला रही, अल्लाह को ये अकल ही नहीं है, अल्लाह को ये पता ही नहीं है कि दुनिया कैसी चलाई जाती है, दुनिया बनती कैसी है, महीना कैसे बनता है। महीना का चलाने वाला निर्धारित अगर है महीना, तो उसको मानव में मजाल नहीं है कि उसको रद्द बदल करे, हेर फेर करे, उलट पलट करे, आगे पीछे करे, ये मानव में मजाल ही नहीं है, चाहे वो काफिर हो, काफिर का बाप हो। सरासर झूठ बोला गया इसमें, और अल्लाह खुद कह रहे हैं कि हुर्मत रखे और इसकी शुमार के मुवाफिक कर लें, फिर इसे हलाल बना लें, जैसे कि अल्लाह, जिसे कि अल्लाह ने हराम करार दिया है। अब अल्लाह जिसको हराम करार दिया वो काफिर उस समय के लोग उसको हलाल माने, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह दुनिया चलाने वाले हैं, दुनिया बनाने वाले हैं, तो उस नियम को विपरीत उलट देने का ताकत अल्लाह से बड़ा कोई होगा तब होगा, रखेगा।
यानी सरासर किस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, झूठ दिखेगा, और ऐसे झूठ बातों को, झूठ का पुलिंदा लेकर के ये तांडव मचा रहे हैं। तांडव मचाने का अधिकार इनको इसी अल्लाह का ही दिया हुआ है। हराम माने उन्हें इनकी उनके बुरे काम भी अच्छा दिखाई देता है, और काफिर लोग जो थे उनको उनके बुरे काम भी उनको अच्छा दिखाई देता है। तो जब जो काम करने वाला उसको अच्छा दिखाई नहीं देगा, अब अल्लाह को वो अच्छा दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को जो अच्छा दिखाई नहीं देता है, वो इंसान काफिर हो या कोई और हो, उसको अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अल्लाह के नियम को पलट रहा है, अल्लाह के नियम को बदल रहा है। तो अल्लाह के नियम को बदलने वाला ताकत इंसान में होना संभव है अल्लाह के पास, लेकिन जो परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, उस परमात्मा के सृष्टि रचना में इसको रद्द बदल करने में और तब्दील करने में, परिवर्तन करने में मानव ही नहीं, मानव से बढ़कर के कोई शक्ति हो उसमें भी ताकत नहीं। यानी 12 महीना 30 दिन का होगा, और जो सूरज निकलने से लेकर के डूबने तक, यानी ना सूरज निकलता है ना डूबता है, जिधर से निकलता है उधर को हम पूरब कहते हैं। सूरज के साथ निकलने डूबने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन इनका तो कीचड़ वाला तालाब में डूबता है। तो मैंने निवेदन किया कि यहाँ अल्लाह खुद कह रहे हैं, खुद ये फरमा रहे हैं अपनी कलाम में कि अल्लाह के बनाए हुए हलाल को वो हराम मानते, और अल्लाह के बनाए हुए हराम को ये हलाल मानते। कौन? उन काल में, उस काल में, उन दिनों में जो गैर इस्लामी लोग थे, यानी गैर इस्लामी लोग अगर हलाल को हराम माने, अल्लाह के हलाल की हुई चीज को हराम माने, तो इसका मतलब अल्लाह के नियम पलट देने में उस कोई ताकतवर होगा। जब अल्लाह का नियम पलट रहा है, ये खुद फंसे पड़े हैं अल्लाह। इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं, इस कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए, आए मैदान में, खुली चुनौती है, खुला दरबार है मेरा। मैं एक बार नहीं, मैं बहुत बार बोला हूं, आए कोई मैदान में, जिसको आना हुआ है। और आने के लिए मैं देखिए 23 दिसंबर को सब चिलपो कर रहा था, सब है, मैं डिबेट के लिए मैं सबको समय दिया, 23 दिसंबर का समय दिया, स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के अवसर पर मैं आ रहा हूं, और पारगंज आ रही है समाज में, हम डिबेट करेंगे, समय लिया, लेकिन अब तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। और मैं दावा के साथ यही कह रहा हूं के सत्य में विजयते नरितम सत्य न पंथा भी तो देवी आना। ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश के भूमिका में ये लिखा है कि सत्य की जय, सत्य को कोई दबा करके रख नहीं सकता, सत्य को कोई हरा नहीं सकता, सत्य की जीत हमेशा होती है, होती आई है, होती रहेगी। सत्य का दबाया जाना संभव नहीं है, इसीलिए सच वही है जो सर पर चढ़ कर बोले। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आओ कौन आ रहा है सामने, इस कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। ये सारा हवाला, सारा प्रमाण मैं आप लोगों की इस कुरान से ही सुनाया हूं। इसलिए जितने जल्दी जल्दी में जितने भी लोग मेरे साथ जुटे हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया है, तो जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर क्या लिख रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, फिर क्या लिखा है देखते हैं। सूफी साहब के सामने तो बोलते अबे उल्लू के पट्टे, वो सूफी साहब आया कहा, जब ग्रेटर नोएडा आर्य समाज वालों ने अपने लेटर हेड में लिख करके दिया, सूरजपुर आर्य समाज वालों ने अपने लेटर पैड में इस सूफी वालों को लिख करके दिया, और सूफी वालों को बोल रहे, तेरा बाप को बोल, आज मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं, तेरा सूफी अब्बा हो या कोई बाप हो, लिया सामने, किसके माँ ने दूध पिलाई है, सामने डिबेट करके दिखा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ये कह रहा सूफी के सामने बोलती बंद है, कोई बोलती बंद करने वाला है? एक परमात्मा को छोड़ करके बोलती कोई नहीं बंद करने वाला है। झूठ कभी सच को दबा नहीं सकता, सच का बोलती, सच की बोलती दुनिया वाले झूठे लोग बंद नहीं करा सकते। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं भाई, आदित्य राज जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। मैं प्रयास कर रहा हूं ये जो जो कुरान का हवाला दिया हूं इसको लगाने का, अगर देवाशीष से होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके पास भेज रहे हैं। सिद्दीक अंसारी ने क्या लिखा है देखिए, इस हरामजादे ने गाली दिया, इसने लिखा है अबे सुअर के औलाद, हरामजादे सुअर के औलाद तू है या हम? हमें तो सारा कुरान से ही सारा प्रमाण दिए हैं, सूरज सुअर के औलाद तो तुम ही लोग हो,
जो इसी सुअर के औलाद होने का प्रमाण दे रहे हो संपूर्ण भारत भर को अस्थिर करके। भारत के राष्ट्रीय संपत्ति तुम्हारा नहीं है, वो हमारा भी लगा हुआ है हरामजादे। तुमको किसने अधिकार दिया है हमारे संपत्ति को आग लगाने में? ये किस तरीके से हरामीपना, किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं? देखिए आज कितने हरामजादे जुड़े हैं ये। देखिए ये भाई एक ने लिखा है कि ये इनका नाम मोहम्मद कुछ है कि मैं जानता हूं कि इस्लाम एक कैंसर है इसलिए मैं नास्तिक हूं। देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मोहम्मद नजरुल है ये कोई साहब, जिन्होंने मेरे फेसबुक लाइव में अभी अभी लिखा है कि इस्लाम एक कैंसर है मैं जानता हूं इसीलिए मैं नास्तिक हो गया हूं। लेकिन नजरुल भाई, नास्तिक कोई नहीं होता है, नास्तिकता में आस्तिकता भरी हुई होती है। आप मेरे कॉन्टेक्ट में आइए, मेरे साथ संपर्क रखिए, मैं आपके उस नास्तिक पना की जो मान्यता है उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, आप मेरे टच में आएंगे तो मैं आपके इस संदेह को दूर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। अब ये लोग कहते हैं कि महेंद्र पाल गाली बकते, मैं क्यों गाली बकूंगा? ये हरामजादों ने तो खुद गाली लिखा है इसमें, उसमें तो लिख करके दिया है। इस सुअर के बच्चे ने, इसने गाली लिख करके दिया है, तो गाली लिख करके दिया है, मैं उसको केवल सुनता रहूंगा, देखता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, जवाब नहीं दूंगा उसको। क्यों? मैं मुर्दा हूं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं सबको, मुझे थोड़ी देर हो गई। कौन साहब है? मुझे थोड़ी देर हो गई, अभी मैं 5 ग्रुप में शेयर करता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन? धर्मेंद्र जी। तो खैर, जितने जल्दी जल्दी में आप लोग जुड़े हैं, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, अभिवादन करता हूं, और सब लोगों का अभिवादन भी मैं स्वीकार करता हूं। और भाई राम जी भी बंबई से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं अपने आदित्य आर्य जी, और बहुत से लोग बहुत से जगह से जुड़े हैं। ये अखिलेश दुबे जी भी सामने आ गए। मैं नंबर देता हूं जी। और धर्मवीर जी ने तो खुली चुनौती इन लोगों को दे रखी पहले से, बहुत से लोगों से धर्मवीर जी ने बात भी की है। अरे लखीमपुर खीरी का एक था जो मीठी मीठी बात किया, लेकिन वो भी डिबेट करने के लिए आया था। वो बोला मैं 2 दिन में 3 दिन में बता रहा हूँ, लेकिन आज 2 महीना हो गया अब तक उसका फोन नहीं आया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आओ, किसको दम है, किसको हिम्मत है, आओ दिल्ली के रामलीला मैदान में ही डिबेट करेंगे। खुली चुनौती है, खुली चुनौती है। उन मुसलमानों के बीच में डिबेट करेंगे कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है, इसको सिद्ध करो। और इस्लाम में इंसानियत है, इसको सिद्ध करो। मैं तो केवल 4 पॉइंट दिया हूं, इसको सिद्ध करने के लिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि सामने आओ। सामने आने से क्या होगा? सामने आने से ही होगा कि दुनिया के लोगों को पता चलेगा, दुनिया वालों को मालूम होगा, दुनिया वालों को पता रहेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसीलिए सत उजागर करने के लिए, औरों तक सत को पहुंचाने के लिए स्वागत है। जो भी आ रहा है, जो भी आएंगे, आने का प्रयास करेंगे, हिम्मत और इस्तकलाल के साथ आप आइए। हम दुनिया वालों को बताएं सच कहाँ है, किन के पास है, सच वेद में है या कुरान में। इसीलिए मैं बार बार दावत देता आया हूं और देता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद देते हुए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए, सबके अभिवादन, भाई धनीराम जी ने नमस्ते लिखा है, तो सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए हाँ देखिए जसवंत जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जिनको मामू खालू और अब्बू में अंतर नहीं वो लोग क्या जानेंगे। अभी गलती अल्लाह की है, अल्लाह ने तो पहले आदम के काल में भाई बहन, सगे भाई बहन में शादी कराई, और फिर अल्लाह को याद आया मोहम्मद के काल में कि नहीं गलत हुआ। अबे जी, जो अपना नियम बदले वो अल्लाह हो सकता है पर परमात्मा नहीं। परमात्मा का नियम बदलने वाला नहीं है, परमात्मा का नियम अटल है,
यही अब्दुल्ला तारिक के साथ जब डिबेट हुआ, अब्दुल्ला तारिक तो भी स्वीकार किया इसको कि ये अल्लाह का नियम बदलने वाला है लेकिन परमात्मा का नियम बदलने वाला नहीं है, इसको जानो ना। ये यहाँ देखे, यहाँ मामू खालू और अब्बू का भी अंतर इनके पास नहीं है। अभी देखा नहीं है उसमें बरेली में क्या हुआ, वो भी आला हजरत के परिवार में उस लड़की को तलाक दिया, उसके भाई ने पहला, बाप ने पहला, क्या क्या किया यार, क्या तमाशा। ये शर्म को भी शर्म आ जाए, ऐसे बेशर्म लोगों के द्वारा ही ये सारा काम हो रहा है। और ये बेशर्मी का हद ये कुरान है, ये सारा कुरान के अनुसार, कुरान में ही है ये आदेश, तलाक की विधि भी कुरान में है। इस पर मेरा वीडियो लगा हुआ है, समाचार प्लस में भी मैं बोला हूँ और कई जगह वीडियो लगा हुआ है, वहां देखना, यूट्यूब में सारा लगा हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को कीमती समय को, और सूरज जी ने भी नमस्ते लिखा है, नमस्ते जी। इट इज हाई टाइम टू डिक्रेस पीपल। हाँ भाई, संत राम जी ने लिखा है कि इंशाल्लाह, वो तो मैं इंशाल्लाह शब्द को गलत प्रमाणित कर दिया है वो, संत राम आर्य जी। इस हरामजादे ने क्या लिखा है कि पगला क्या बेवकूफ है, ये कौन है मोइज है तेरे पास, अगर तू जान रहा, तू डॉक्टर है, पगला कौन हो गया है, तू जान रहा है। और ये सड़क पे जो उधम मचा रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को जो बेच रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पगला वो है कि मैं हूं बे, गधे के बच्चे। इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि ज्यादा देर तक और रोका जाए, आप लोगों को रोका जाए, काफी समय हो गया है। ये भाई नजरुल जो है ये बंगाल से है, बंगाली है, ये बंगाली हूँ आपकी आपकी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक আছে, আমার সঙ্গে সম্পর্ক রেখো, তুমি নাস্তিক কি করে সেটাকে আমি প্রমাণিত করিয়ে দেবো। নাস্তিক কেউ হয় না, নাস্তিক কাউকে বলা যায় না, যে নাস্তিক শব্দটি আছে সেই নাস্তিকের ভেতরে আস্তিকতা রয়েছে। নাস্তিক না ধন আস্তি, না যুক্ত আস্তি, না মানে অস্বীকার করা, অস্বীকার করছে কাকে, অস্বীকার করছে ঈশ্বরকে, তক্ষুনি বলছে আস্তি, আস্তি মানে আছে, আস্তি মানে হ্যাঁ। তো ঈশ্বরকে যে না মানে সে কোনোদিন নাস্তিক হয় না। এই জন্য এসো আমার সঙ্গে, আমার টাচে থেকো, আমি জানিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো ভালো করে। অশেষ ধন্যবাদ সবকো, ধন্যবাদ দিতে হুয়ে মানে বাণী কো বিরাম দে রা হুঁ, ইয়ে জিতনা পড়তা রহুঙ্গা উতনা হি কম অর থোড়া হোগা। देखिए, ये भाई नजरुल जी लिख रहे हैं कि मैं पहले से ही आपका साथी बन चुका हूं, आपका साथ कर चुका हूं, इन्होंने खुद लिखा, देखिए आप लोग भी लिखिए। ये मोइज आलम, तू तो हलाला का माल है सब लग रहा है, हलाला से ही पैदा हुआ है तू लग रहा है। ये इमरान शाहिद क्या लिख रहा है, देखिए इसने भी गाली बका है, इसने भी सुअर लिखा है, सुअर के ये मैं ही गाली बकने वालों को दुआ दूंगा क्या, गाली बकने वालों को आशीर्वाद दिया जाता है क्या, ये सब हराम के औलाद हैं, सब ये हलाला के माल हैं, और हलाला के माल हैं इसका प्रमाण ये लोग अपने आप ही दे रहे हैं, ये लोग अपने आप ही प्रमाणित कर रहे हैं कि अपने बाप से जन्म लिए हुए नहीं है, ये सब हलाला ही, तीन तलाक बाप ने दे दिया था फिर उसके बाद जन्म लिया, ये हलाला से ही पैदा हुए हैं, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं केवल बोल नहीं रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ, और सारा प्रमाण तो आज कुरान से ही दिया है। इसीलिए आओ, जिसको हिम्मत है सामने आओ, सामने आ करके डिबेट करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और औरों तक पहुंचाना। धन्यवाद, नमस्ते के साथ।